आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हिंदू राष्ट्र पर तकरार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। देश में इस वक्त बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री चर्चाओं की धुरी के इर्द गिर्द ही दिखाई दे रहे हैं और उनकी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात किसी से छिपी नहीं है। हालांकि कई लोग इसके समर्थन में उतर कर उनकी इस मंशा को सच होते देखना चाहते हैं, तो वही कुछ लोग ऐसे भी है जो इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। पहले आप धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान सुनिए। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है, हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भड़क गई है। सुना आपने ये धीरेन्द्र शास्त्री का बयान? जी हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री के ऐसे बयानों के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्मा रहा है। साथ ही उनके बयानों के खिलाफ कई तरह की बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट सैयद अरशद मदनी के बयानों से इस वक्त आग लगी हुई है। मुल्क बर्बाद न होता, तबाही न आती, फकर तंगदस्ती का बोलबाला न होता, मुल्क के अंदर इख्तदार उनका होता जो मुल्क में हर तबके को चैन और सुकून के साथ जिंदा रहने का मौका देते हैं। फिर ऐसा नहीं हुआ। आज आकर के उन्होंने ये कहा कि हम फिरका परस्त पार्टियों के ऊपर कदगल लगाएंगे, बंद करेंगे और मुल्क के अंदर भाईचारगी को लेकर बढ़ेंगे। एक शोर मच रहा था कि कांग्रेस ने इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो को अंदर इसको दाखिल किया कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। गलती की, मैं समझता था कि गलती नहीं है बल्कि अपनी गलती का तदारुक है। जो 70 साल पहले से गलती थी, आज उस गलती का तदारुक किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि वो मौकिफ ठीक था, और मैं समझता नहीं हूं बल्कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर उस मौकिफ की तायीद की है। अब आपने ये भी बयान सुना, ये बयान उन्होंने मुंबई में हुए एक कार्यक्रम के दौरान कहा। इस कार्यक्रम में केवल अरशद मदनी ने अपने बयानों से आग नहीं उगली बल्कि उनके भतीजे हसन मदनी ने भी अपने बयानों में जहर उगला है। ये भी सुनिए। उन लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता जो आज इस मुल्क के अंदर ये आवाज लगा रहे हैं कि इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनना चाहिए। इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार वो है इस देश के जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। अगर वो हिंदू स्टेट की बात कर रहे हैं और वो गद्दार नहीं है, मुसलमान अगर इस्लामी देश की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? सिख अगर खालिस्तानी की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? रास्ते तुम खोल रहे हो। इस मुल्क को सेकुलर मुल्क है, इसका दस्तूर सेकुलर। दोनों ही बयान अभी आपने सुने। जमीयत के इस बयान का विरोध लगातार हो रहा है। संत समाज में इस बयान को लेकर नाराजगी भी दिखाई दे रही है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने जमीयत के बयान की भी आलोचना की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। जमायत उलेमाए हिंद के मुंबई अधिवेशन में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को जिस प्रकार देशद्रोह करार दिया गया, मैं मौलाना साहब से कहूंगा कि इतिहास और अपनी तहजीब दोनों दुरुस्त रखें। मौलाना साहब, इस देश के विभाजन का आधार ही धर्म था। इस्लाम को मानने वालों के लिए पाकिस्तान बना, शेष बचे हुए हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना। भारतीय संविधान में हिंदू शब्द की परिभाषा में सिख, बौद्ध, जैन ये तीनों आते हैं। अतः खालिस्तान की मांग का अपरोक्ष समर्थन करना ये तुम्हारे देशद्रोही मनसा को दर्शाता है। लेकिन बयानों का दौर केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा। पूरी आग की चिंगारी देश के अलग अलग हिस्सों में भी दिखाई दी। बड़बोले बयानों के राजा और सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक और विवादित बयान देकर यूपी का सियासी पारा एक बार फिर से हाई कर दिया है। ये साधु है, ये संत है,
बेगवा वस्त्र पहनने वाले ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी, हमारा क्या बिगड़ा, लेकिन तुम्हारी असलियत आगे आ गई, तुम साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से निर्मी हरकत तुमने की। तो चुनावी माहौल के बीच ये जो बयानबाजी है इसका भी सिलसिला लगातार जारी है। तो नेताओं और साधु संतों के साथ ही जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि अब लगातार ये जो बयान है ये आग की तरह पूरे देश में फैल रहे हैं। अब इस बयान को लेकर के और क्या कुछ प्रतिक्रिया आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है, तो हमें तो ऐसा लग रहा भारत की हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भड़क गई। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।